खबर है भद्रावती तहसील से, जहां तहसील के अनेक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे उनका अन्य गांव से संपर्क टूट गया है। प्रस्तुत है इस पर सीटीवी प्रतिनिधि जावेद शेख की रिपोर्ट। बीते दिनों हुई मूसलाधार बरसात के कारण वर्धा नदी में बाढ़ आ गई है, जिसके चलते सीटीवी के हमारे प्रतिनिधि जावेद शेख ने हम तक जानकारी पहुंचाई है कि पिपरी गांव का मध्यरात्रि से भद्रावती तहसील के पिपरी गांव का संपर्क टूट गया है। गांव के चारों तरफ भारी मात्रा में पानी जमा हो गया है, जिसके कारण पिपरी गाँव वासियों के साथ कोची घोनाड़ इस गाँव के नागरिक अपने में गाँव में अटके पड़े हुए हैं। पिपरी से भद्रावती शहर की ओर जाने वाले रास्ते पर तकरीबन 2 किलोमीटर तक पानी जमा हो गया है, यानी हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। बाढ़ के पानी के चलते शासकीय अधिकारी इस गांव में यह समाचार लिखे जाने तक नहीं जा पा रहे हैं, तथा मोबाइल द्वारा गांव वासियों से संपर्क साधकर बाढ़ की परिस्थिति पर नजर रखे हुए हैं। वहीं जल स्तर बढ़ने की वजह से गांव वासी जानवरों का चारा तथा अन्य आवश्यक सामान सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं। बाढ़ का पानी जल्दी कम हो, इसके लिए गांव वासी गांव के मंदिर में भजन कीर्तन कर रहे हैं, ऐसी भी जानकारी प्राप्त हुई है। वहीं घोनाड़ के किसान युवक अपनी जान जोखिम में डालकर गले भर पानी से मदर डेयरी से संकलित किया हुआ दूध पहुंचा रहे हैं। सीटीवी के लिए हमारे प्रतिनिधि जावेद शेख की रिपोर्ट।